कोरोना से बचाने में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कारगर साबित हुए हैं। लोकल सर्किल के एक सर्वे में दावा किया गया है कि कोरोना के अलग अलग लहरों के दौरान जितने भी लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल किया था उनमें से ज्यादातर इसकी चपेट में आने से बच गए थे। अब दुनिया भर में फैलते XE वेरिएंट से बचने के लिए भी इसी तरीके को अपनाने की सलाह दी जा रही है। कोरोना के नए XE वेरिएंट के मिलने के साथ ही देश में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। वैक्सीनेशन के साथ ही वैक्सीनेटेड लोगों को बूस्टर डोज लेकर अपना बचाव करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही कोरोना से बचाव में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी कामयाब साबित हुए हैं। बीते दो साल में देश और दुनिया में कोरोना महामारी ने जमकर कहर बरपाया है। इस दौरान काफी लोग संक्रमित हुए, लेकिन इससे बचने वालों की तादाद भी अच्छी खासी रही। लोकल सर्कल्स के सर्वे में दावा किया है कि मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके लोगों ने कोरोना से बचने में सफलता हासिल की है। सर्वे के मुताबिक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से 80% भारतीय परिवार कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने से बच गए। लोकल सर्कल्स ने देश के 345 जिलों के 29,000 से ज्यादा लोगों से मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर यह सर्वे तैयार किया है। लोकल सर्कल्स ने यह सर्वे ज्यादातर राज्यों में कोरोना वायरस से जुड़े प्रतिबंधों के हटने के बाद किया है। इस सर्वे के मुताबिक पिछले दो साल में 57% भारतीय परिवारों में से एक या ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। जिन लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में कोताही नहीं बरती उनमें से 80% परिवार इस संक्रमण से बच गए। साफ है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भले ही 100% कारगर साबित ना हुआ हो, लेकिन 80% के सक्सेस रेट के साथ ये डिस्टिंक्शन लेकर पास हुआ है। किसी वेरिएंट में कितने प्रभावशाली बदलाव आए हैं, जब तक इन सभी की जांच ना हो जाए तब तक गंभीर बीमारी होने का खतरा भी बना रहेगा। लेकिन कोई भी वेरिएंट आए और वो कितना भी डेडली हो, इन सभी से बचाव के लिए जो बेसिक कोविड बिहेवियर्स हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए चाहे मास्क मैंडेट ना हो, पर फिर भी जब भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं तो हमेशा मास्क पहन कर जाएं। और अगर आप अपने घर में या किसी भी क्लोज जगह पर कोई गैदरिंग कर रहे हैं तो इंश्योर कर लें कि वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड हो। ये सभी सावधानियां आपको कोविड के साथ साथ अन्य रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से भी बचाएगी। ऐसे में XE वेरिएंट से बचने के लिए लोकल सर्कल के सर्वे के मुताबिक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरिया बन सकता है, क्योंकि कोरोना से बचने वाले लोगों का दावा है कि कोरोना की लहरों के दौरान उन्होंने मास्क पहना और सामाजिक संपर्कों को घटा दिया। साथ ही लोगों से मिलने के दौरान दूरी बरतने का सख्ती से पालन किया। इस सर्वे में कहा गया है कि 33% लोगों ने कहा कि वो या तो लोगों से घर से बाहर मिले या विशेष हालात में घर में मिलने पर वेंटिलेशन का ख्याल रखा। एक या ज्यादा सदस्यों के संक्रमित होने वाले परिवारों में से 74% ने कहा कि वो सामाजिक संपर्क को कम करने और मास्क पहनकर संक्रमण से बच सकते थे। यानी ये सर्वे आगाह करता है कि अगर अब XE के मामले बढ़ते हैं तो उससे पहले ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके इस नए वेरिएंट से बचने की कोशिश करना फायदेमंद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।